शाम में 6 बजे घर से निकला था, वो आदमी फोन किए थे किसी आम घर पे मेरे आओ। जब उनके पास गए शाम में तो 10:04 पर घर आए थे। रात की रोशनी कहता है बाबू, रात की रोशनी ना दिखाई दे रहा है। तब हम गाड़ी बुलवाए 4 चक्का और मेडिकल लेके गए। मेडिकल में आधा घंटा ट्रीटमेंट में था, इलाज में, इसके बाद दम तोड़ दिया। पुलिस ने अनुसंधान किया, उसे कोई कुछ कोई तथ्य सामने नहीं आ पाया और इसकी पुष्टि भी नहीं हो पाई कि आखिर उन्होंने, लेकिन परिजनों द्वारा और गांव ग्रामीणों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कि कोई ऐसा पदार्थ का सेवन किया जैसे। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। मंगलवार की देर रात मुजफ्फरपुर के हथौड़ी थाना क्षेत्र के डीजीपर गांव से खबर निकलकर सामने आई थी, जहां पर एक युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी। युवक की पहचान श्याम सहनी के रूप में हुई थी, जो पेशे से टेंट हाउस चलाता था। वही बता दें कि परिजनों का आरोप है कि शराब पीने से जो है श्याम सहनी की मौत हो गई है। सबसे पहले आंख की रोशनी चली गई थी और जो हम लोग इलाज के लिए अस्पताल लाए, जहां पर उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस ने शराब से मौत की पुष्टि नहीं की है। पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है ग्रामीण एसपी विद्यासागर का, पहले आप सुनिए। नहीं, ये हथौड़ी थाना क्षेत्र के डीहजीवर गांव की घटना है। इसमें जो प्रथम दृष्टया सूचना प्राप्त हुई कि ये नान बहुत देर से सूचना प्राप्त हुई कि एक वहाँ के श्याम सहनी हैं जिनका डेथ हो चुका है और दो लोग अभी कहीं पे इलाज करा रहे हैं। जो प्रारंभिक पुलिस ने अनुसंधान किया, उसे कोई तथ्य सामने नहीं आ पाया और इसकी पुष्टि भी नहीं हो पाई कि आखिर उन्होंने, लेकिन परिजनों द्वारा और गांव ग्रामीणों द्वारा ये बताया जा रहा है कि उन्होंने कि कोई ऐसा पदार्थ का सेवन किया, जैसे कि पहले प्रथम दृष्टया बता रहे थे कि जो पेंट में जो डाला जाता है थीनर या जिसको प्राइमर बोलते हैं, उसको पानी समझ के पी लिया था वो लोग, और क्योंकि मग में जो नहाने वाला मग होता है उसमें रखा हुआ था, पेंट भी हो रहा था घर में। तो अभी पुलिस अनुसंधान कर रही है और ये पता चला है कि जो जिन श्याम सहनी जिनका डेथ हुआ, तो पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया। जब तक पुलिस वहाँ पहुँची तो दाह संस्कार भी हो चुका था और दो लोग कहाँ इलाज करा रहे हैं और कहाँ हैं उनके बारे में भी पुलिस अनुसंधान कर रही है। उनसे उनके परिजन भी घर पर नहीं मिले, तो वो प्रथम दृष्टया कुछ साफ पता नहीं चल पा रहा है, लेकिन पुलिस अनुसंधान कर रही है। पुलिस अनुसंधान करके किसी निष्कर्ष पे पहुँचेगी। आरोप ग्रामीणों के द्वारा लगाया जा रहा है कि सफेदपोश नेताओं और थाना के संरक्षण में शराब की बिक्री हथौड़ी थाना क्षेत्र में की जा रही है। नहीं, ये तो अनुसंधान का विषय है और हम लोग ने तो जब से ये घटना हुई है छपरा सिवान और गोपालगंज में, तब से काफ़ी व्यापक मात्रा पे हम लोगों ने साहेबगंज बारूद देवरिया जो कि गंडक नदी से सटा हुआ है, सरैया क्षेत्र में, हथौड़ी क्षेत्र में, हर जगह हम लोग काफ़ी व्यापक पैमाने पे हम लोग शराब की बरामदगी भी कर रहे हैं और उस तरह का मिल रहा है कहीं भी उस तरह का दोष को हम लोग नष्ट भी कर रहे हैं। अच्छा, मृतक श्याम के जो परिजन हैं उनसे पुलिस की बात हो पाई है क्या, कुछ वो बता रहे हैं? क्योंकि उनका तो कहना है कि कुछ लोग ने उनको बुलाया था और वहाँ से शराब खरीद करके सब लोग साथ में पिए। नहीं, पुलिस अनुसंधान कर रही है क्योंकि परिजनों से तो मुलाकात ही नहीं हो पा रही है। वहाँ जब हम लोग गए तो वहाँ थानाध्यक्ष हथौड़ी गए थे तो देखा कि दाह संस्कार कर दिया गया था, इसलिए हम लोग चाह रहे थे कि पहले उसकी पोस्टमार्टम हम लोग करा लें जिससे कि किसी निष्कर्ष पर हम लोग पहुँच पाएंगे। लेकिन यहाँ से हॉस्पिटल से डेड बॉडी वो लोग घर पे ले गए थे। शाम में 6 बजे घर से निकला था, वो आदमी फ़ोन किए थे किसी आम घर पे मेरे आओ। जब उनके पास गए शाम में तो 10:04 पर घर आए थे। जब आए तो हम नींद में थे, जब उठे तो उनको से पूछे कहाँ गए थे, तो बोला कोई आदमी बोला सोमवार के रात में निकला 7 बजे और 6 बजे रात में आया दारू पी कर, वो पता नहीं है। कल सुबह में लेट से उठा, उठा करने के बाद वो स्नान ध्यान किया, खाना उना खाया। हम 12 बजे आए चौर में से, तब तक पोजीशन सही था। जब 4 बजे दिन का आए तब उसको
तबीयत बिगड़ने लगा। आँख के रोशनी कहता है बाबू आँख के रोशनी ना दिखाई दे रहा है। तब हम गाड़ी बुलवाए चार चक्का और मेडिकल लेके गए। मेडिकल में आधा घंटा ट्रीटमेंट में था इलाज में, इसके बाद दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम हुआ? पोस्टमार्टम नहीं हुआ, अंतिम क्रियाक्रम कर दिए। अंतिम क्रियाक्रम कर दिए। क्या लग रहा है आपको मौत का कारण क्या लग रहा है? मौत के कारण तो वही दारू है। और कोई लोग आसपास के बीमार भी हैं? दो है और। क्या नाम है आपके बेटे का? श्याम कुमार। आपका नाम? चंद कुमार। घर? डी जीवर। पुलिस वगैरह आई से पूछताछ कुछ की? नहीं, पुलिस नहीं आई। आपसे कोई संपर्क नहीं किया? कोई संपर्क नहीं। उम्र कितना था बेटा का? 26 साल। बाल बच्चा शादी ब्याह हुआ है? नहीं, तो छोट बच्चा है। नहीं नहीं, बेटे का, मिर्सद का। हाँ, बेटा के शादी? हाँ, उसको शादी हुआ है, दो बच्चा भी है। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था ग्रामीण एसपी विद्यासागर का। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि पुलिस जब तक पहुंची तब तक शव का दाह संस्कार हो गया था। जो भी आरोप लगाया जा रहा है हम लोग हर बिंदु पर जांच कर रहे हैं। बने रहिए फर्स्ट बिहार के साथ, आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।